आजादी के दिवस के BSF के मुलाजमान वालों अलग अलग पंजाब की पूरे देश के अलग अलग जिले के अपनी कला पेश की जाती है, जिस गल करिए जलंधर शहर की। जलंधर शहर के इस टाइम असं खड़े हाँ LPU के, LPU तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं कितने BSF के मुलाजमान वालों अपने स्टंट करके कि पेशी की जाती है। तुम तस्वीर देख रहे हो BSF के मुलाजम जो है मोटरसाइकिल के उत्ते स्टंट किए जाएंगे, अलग अलग तरह के स्टंट दिखाए जाते हैं। तुम्हें तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले रंगारंग प्रोग्राम किया गया, उस तो बाद BSF मुलाजम कि मोटरसाइकिलों के उत्ते अपने स्टंट किए जा रहे हैं। तस्वीर तुम्हें दिखा रहे हैं जलंधर दियाँ। जलंधर दे विच तुम देख रहे हो जो BSF के मुलाजम है अपने मोटरसाइकिल से रैली मोटरसाइकिल के उत्ते किड़े स्टंट। ये BSF जाबाज मोटरसाइकिल शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। BSF DG मिस्टर पंकज सिंह साहब का डायरेक्शन है और कई जगह पे हमारे फ्रंटियर में और दूसरी जगह भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसी के ओकेज़न पे ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें BSF की हमारी एक टीम है जाबाज टीम, वो मोटरसाइकिल शो करते हैं। बेसिक पर्पस ये है कि दिखाएं कि जो ऐसे हमारा स्किल और उनके सारे काम किस तरह से मेहनत करते हैं, कलाबाजी और एडवेंचर और रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो सारा चीज़ BSF जिस प्रिंसिपल से काम करती है उसको दिखाने की कोशिश कर रही है और वो जनता में BSF कैसे काम करती है उसको बताने की कोशिश है। दूसरी तरफ जो है जो हमारे यूथ्स हैं उनके बीच में देश प्रेम, देशभक्ति, देश से प्यार मोहब्बत पैदा करने की इस ओकेज़न पर कोशिश है और इस पर LPU यूनिवर्सिटी है, ये प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, इनका सहयोग है, इनके कैंपस में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इन्होंने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड किया। वी आर ग्रेटफुल टू देम। लोगों को, यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को हम लोग ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो इस ओकेज़न पर कि देश से प्यार हो, देश से मोहब्बत हो, देश के लिए करें, देश के लिए सेक्रीफाइस दें, सबसे ऊपर देश है और इससे हम मोहब्बत करें और इसके लिए करें, इसको बड़ा बनाएँ और जो है से अपना खून पसीना सारा कुछ इस देश के लिए करना जी। सो BSF नोन फॉर एज इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उन्होंने वालों ही ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। देर आर 63 राइडर्स जिहड़े अपने इत्थे जावां स्टंट दिखाएंगे एंड इट इज़ वेरी फोर्थकमिंग। जिहड़े साडे यूथ है खास तौर दे उत्ते पंजाब दे, उन्होंने मोटिवेट करन लई ते उन्होंने दिखाने लिए कि अदर दैन बीइंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे आर ऑलसो डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क। तो इदा दे जाबाज जिहड़े इत्थे अदर दैन बीइंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दे आर ऑलसो डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क। तो इदा दे जाबाज जिहड़े इत्थे स्टंट दिखाए जाते हैं तो किवें बड़े ही टेक्निकल तरीके नाल वो सारी दी सारी उन्होंने रिहर्सल की एंड एवरीवन हैज़ कम अप हियर स्पेशली द स्टूडेंट्स टू वॉच दिस इवेंट। बेस्ट विशेस। अग दे विचों दी लंघ के कि बाइक तो अग तो लंघ के की है कला, उस दे नाल आपां गलबात करांगे। अलग अलग कलाबाजी भी की ने, तुसीं देख रहे हो जिस ट्यूबा तोड़ के जिस अग दे विचों निकले ने कला, तुहानूं असीं दिखाई है जलंधर दे विच BSF दे जवानों वालों कि कला पे स्टेंट किए गए हैं। अलग अलग तरह की बाइक की स्टेंट किए गए हैं, उस तो बाद रंगारंग प्रोग्राम भी किया गया। हुण आपां इस बारे गलबात करते हैं, साडे नाल BSF दे जवान है, कितों अग चो निकले हो तो कई खोप पै गए सी, हाँ भी अग दे विचो बाइक निकलती है तो लगातार इस दे विच डर नहीं लगे तुहानू? देखिए पहले डर लगता था, पहले तो मैं सभी जलंधर वासियों को जय हिंद बोलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह BSF की मोटरसाइकिल टीम जानबाज का टीम कैप्टन हूँ। और जो आपने सवाल पूछा कि डर नहीं लगता, तो डर लगता था शुरू में, लेकिन बहुत लंबा अभ्यास करने के बाद, बहुत लंबी प्रैक्टिस के बाद अभी इतनी परफेक्शन आ गई कि अब डर नहीं लगता है। कैसे आपने किया है पहले बाइक स्टार्ट करके, फिर उस तो बाद ट्यूब्स तोड़ियाँ गई, फिर उस तो बाद अग तो गया गया, फिर उस तो बाद लोगों के बीच हो गया हाँ भी हो सकेगा जवान दे को, मैं भी देख के डर गया कि तो ही उतों की बाइक तो जंप करके जी। ऐसे क्या है कि रिस्क ही है, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है इसमें और चोट भी लगती है, लेकिन बस प्रैक्टिस था, हो गया। क्या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ पर स्पेशली युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो स्टंट यहाँ उन लोगों ने देखे हैं उसको कहीं पर भी आजमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रिकॉशंस
प्रिकॉशन लेके और प्रैक्टिस करते हैं और लोग पब्लिक में भी करते हैं, मैंने देखा है। तो हम लोग ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं एक्सीडेंट से बचने के लिए। और मैं युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी कोई मोटरबाइक चलाता है वो बिना हेलमेट के बाइक ना चलाए। कितने साल हो गए जो आप जब जवान में भर्ती हुए थे, पहले जो आपने सोचा नहीं होगा था मैं बाइक में स्टंट करूंगा या किस में स्टंट करूंगा, ये तो जब आप ज्वाइनिंग हो जाती है उस तो बाद तो ये चीज की थी जी। जहाँ तक रही बात कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस अमूमन लोग बीएसएफ में आके करते हैं, लेकिन मैं जो आप जब जवान में भर्ती हुए थे पहले जो आपने सोचा नहीं होगा था मैं बाइक में स्टंट करूंगा या किस में स्टंट करूंगा, ये तो जब आप ज्वाइनिंग हो जाती है उस तो बाद तो ये चीज की थी जी। जहाँ तक रही बात कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस अमूमन लोग बीएसएफ में आके करते हैं, लेकिन मैं पहले से ही स्टंटमैन था प्रोफेशनल। बिफोर सर्विस मैं सर्विस से पहले से ही स्टंटमैन था और यहाँ आने के बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी स्टंटिंग टीम का लीडर बनने का मौका मिला, तो मैंने वो मौका गंवाया नहीं। तो स्टंट कीता कोई सिर्फ जैकेट ही पाई हुई सी जहाँ ग्लव्स पाए सी और कुछ नहीं पाया हुआ सी। सेफ्टी गियर्स जो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम देंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो हम उनको नहीं लगाते हैं, बस इतना ही। देखिए असी गलबात की गई है उस जवान दे नाल किन्ना ने अग तो स्टंट किया है, अग तो उन्होंने यह भी कहा नौजवानों नू साडे स्टंट देख के ना तो ही अपने बाइक दे स्टंट करने ने ते कदों बाइक चलानी है उसनों हैलमेट पा के करना है। तुहानू असी दिखाया अज जलंधर दे बीएसएफ जवानों वालों अलग अलग बाइक दे स्टंट किए गए ने ते जलंधर प्रशासन भी पहुँचा, जलंधर जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर भी पहुँचा और बीएसएफ दे जवानों वालों कड़ा स्टंट किए गए ने। जिस कैमरामैन देवराज के नाल सोनू महाजन, पंजाब केसरी टीवी जलंधर।